हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार से 999 डिवाइन हीलर। सो गाइस, आज हम 88 पोर्टल की रीडिंग करने वाले हैं कि जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस या फिर क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट करोगे आफ्टर 88 पोर्टल। ओके, सामने मैंने आपके बर्थ मंथ्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 मेरे लेफ्ट हैंड पे है, पाइल नंबर 2 मेरे राइट साइड पे है। लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हेलो, मैं पाइल 1 पीपल। तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ करी है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि 88 पोर्टल क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है आपके लाइफ में। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं आफ्टर 88 पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या चेंजेस, क्या बदलाव आएंगे लाइफ में। सो गाइस, दिस इज़ जनरल रीडिंग। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट होता है उतना ही आपको लेना है। सो फॉर पाइल नंबर 1, क्या चेंजेस एंड क्या बदलाव लाइफ में आएगा। पहला है आपके लिए फ्रेंडलीनेस, दूसरा है डोमिजर, और यहाँ पर है क्रिएटिविटी। ओके, और फ्लावरिंग बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर फ्लावरिंग है। यहाँ से भी मैं थोड़े कार्ड्स लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस पाइल नंबर 1 के लिए आएंगे, क्या बदलाव, क्या चेंजेस पाइल नंबर 1 के लिए आएंगे फॉर 88 पोर्टल। सो फर्स्ट यहाँ पर है हर्मिट, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्स, बॉटम में 7 ऑफ वॉन्स। सो पाइल 1, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, आप लोग अभी स्टेज पर ना बहुत परेशान मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन माइंडसेट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कंफ्यूजन इन द सेंस ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे प्रेशर है, कुछ बर्डन आप महसूस कर रहे हो। ओके, जो कि हो सकता है ये 88 पोर्टल के बाद ना सारी चीज़ें खुलेंगी, बट प्रेजेंटली ना आप अपने लाइफ से इतने खुश मुझे नहीं दिख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बर्डन आपके लाइफ में या जहन में है कि बार बार ना आपको सताया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ जो है ना, ये मिडिल ऑफ द कार्ड द मिजर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। ओके, इनसिक्योर आपके लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि कुछ खोने का आपको डर है पाइल नंबर 1। ओके, कुछ आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेरे लाइफ से ना कुछ छूट रहा है। ओके, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपको डर खाया जा रहा है कि ये चीज़ मुझसे छूट जाएगी। ओके, जैसे आपसे रेजोनेट होता है गाइज, वही आपको लेना है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप ना किसी अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश कर रहे हो, या शादी के मामले में कुछ कोशिश कर रहे हो, तो वो छूटने का डर आपके ना जहन को खाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आने के लिए उसको देरी लग रही है, या फिर आपके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं आ रही है। ओके, तो आपके लाइफ में एक डर है, एक आप ऐसा सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिलेगी ही नहीं, या फिर वो चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आफ्टर 88 पोर्टल अभी आपके लाइफ में ना बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो ना, एंड ऑफ यहाँ पे जो आखिर का कार्ड है वो क्रिएटिविटी है एंड द वर्ल्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे थे या फिर कोशिश डाल रहे थे कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ओके, जो मिल नहीं हो रही है या फिर हासिल नहीं हो रही है आप लोगों को, तो एक डर आपके जहन में था या अभी भी है।
ओके एक डर है, एक खौफ है कि ये चीज़ मुझे मिलेंगी ही नहीं। हो सकता है यहाँ पर ना बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे रीडिंग भी ली है, लेकिन आपको ना वापस बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं या मुश्किलात होते हैं। आपने रीडिंग मुझसे ली होंगी या दूसरों से ली होगी, बट ना आप रीडिंग लेने के बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके माइंडसेट में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, नो डाउट आपको फाइनली बताया गया है कि इस मौके पे आपको मिलेगी, फिर भी ना आपका पेशेंस लेवल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पाइल नंबर वन, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ कि 88 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, पहली बात बता दूँ कि आप जो कॉन्फिडेंटली कर रहे थे या फिर जिसमें आप कोशिश डाल रहे थे कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए या फिर हासिल होनी चाहिए ना गाइस, वो चीज़ आपके दरवाजे पे पक्की आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आप अपने लव से या अपने प्यार से या फिर किसी ऐसे प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वेटिंग पीरियड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो वेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, डेफिनेटली आपकी तरफ वो आएगा। ओके, ये प्रपोजल हो सकता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या जॉब ऑफर हो सकता है, या ऑप्शंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस, इसे हम टैरो में कहते हैं टू ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ ऑफर आएगा, वो प्रपोजल के तौर पे आ सकता है, या फिर कोई मैरिज का ऑफर आ सकता है, ठीक है, जहाँ पर आप कंप्लीटली मायूस हो, अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। ओके, कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि आप ना अभी तक एक ऐसे पार्टनर का, ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जहाँ पर आप वेटिंग कर रहे थे या फिर आपको इनसिक्योर लग रहा था कि ये मेरे तरफ नहीं आएगा। स्पेसिफिकली पाइल वन के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोग किसी रिलेशनशिप या रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो और ना एक इनसिक्योर ऑफ फील कर रहे हो कि ये चीज़ तो फाइनली मेरे हाथ में नहीं आएगा। तो एक ना मन मन में कह सकती हूँ, या फिर ना आपको एक दिमाग पे प्रेशर चल रहा है या बर्डन चल रहा है आपके जहन में, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे आखिर का कार्ड मैंने जैसे कहा क्रिएटिविटी, ये एम्प्रेस कार्ड है। ओके, टैरो की बात करें तो ये एम्प्रेस का कार्ड है, दैट मीन्स ये दर्शा रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ जो आप वेट वेट कर रहे थे गाइज, वही आपको मिलेगा। ओके, ये कोई पार्टनर हो सकता है, या ऑफर हो सकता है, या आपका पैशन हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगस्त में मैं देख पा रही हूँ आफ्टर 88 पोर्टल आपके लाइफ में कोई पार्टनर ज़रूर आएगा और आपकी ना इंगेजमेंट या मैरिज फिक्स होने के चांसेस है। फाइल वन, ओके। और आप इनसिक्योर, आप जो फील कर रहे थे कि यार ये आएगी या नहीं आएगी, या फिर ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ना आपके लाइफ में बदलाव आप खुद देखोगे आफ्टर 88 पोर्टल। ओके, नो डाउट मैंने कहा कि थोड़ा सा आपके जहन पे, दिमाग में ना बहुत प्रेशर चल रहा है कि मैं क्या करूँ, किससे रीडिंग लूँ, किससे बात शेयर करूँ, या किससे मेरा जो दिल का पेन है वो बांटूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि आप जितना मेहनत कर रहे थे, जितनी कोशिश लगा रहे थे, आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस अभी थे ना, आफ्टर 88 पोर्टल वह ज़रूर हटेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि मैरिज वाइज, प्रपोजल वाइज आप कंप्लीटली मायूस हो चुके हो और कंप्लीटली आपने होप छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिससे भी रीडिंग लिए होंगे या फिर जिससे भी आपने कंसल्ट करा होगा, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जो भी, डेफिनेटली उनकी बात सही होगी या फिर उन्होंने जो भी आपके बारे में कहा होगा वो सही ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होता है। डिवाइन टाइमिंग जब आता है, सारी चीज़ें ना हमारे लाइफ में स्मूथली चलने लगती है। यही कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपके लाइफ में जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी थी वो ख़त्म हो के आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। पाइल नंबर टू, सॉरी पाइल नंबर वन। ओके, कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे व्यूवर्स की यहाँ पर ना आप अपने पार्टनर से ज़रूर मिलोगे आफ्टर 88 पोर्टल, और आप खुद ये बदलाव देखोगे गाइज। तो जो आपके मन में या जहन में जो भी बर्डन है, पेन है ना, किसी भी चीज़ के रिलेटेड रहेगा, आपके लाइफ के रिलेटेड रहेगा गाइस, डेफिनेटली अभी डिवाइन टाइमिंग आ गया है। कहीं ना कहीं अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा आफ्टर 88 पोर्टल, कि जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करोगे, और हो सकता है
कि आप ना वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड टूर भी करने जाओ, या फिर आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी कि जहाँ पर आप वर्ल्ड ट्रैवल करोगे। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आप ऐसा ऑफर वेट कर रहे थे या फिर ऐसे जॉब के लिए वेट कर रहे थे कि जहाँ पर आपको अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी। ओके, तो डेफिनेटली आप मायूस थे, आपकी एनर्जी अभी भी मायूस है। एंड वही चीज़ है गाइस कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आप देखोगे क्योंकि किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। आफ्टर 88 पोर्टल आप खुद ही देखोगे कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। वो मैरिज वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, बिजनेस वाइज हो सकता है, आपके प्रोफेशन वाइज हो सकता है। ठीक है, तो आपके लाइफ में बहुत सारी परत खुलने वाली है। आपको बस मायूस नहीं होना है और थोड़ा सा टाइम देना है। आप ना जल्दबाजी बहुत करते हो, पॉइंट नंबर वन। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप ना पेशेंस लेवल खोते जा रहे हो। नो डाउट, मैं समझ सकती हूँ कि आपका वेटिंग पीरियड ज़्यादा रहेगा या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, लेकिन ना आपको ना पेशेंस ही नहीं रहता है। ओके, पेशेंस नहीं रहता है और ना इसी की वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे डिसीजंस रॉन्ग अपने लिए है या फिर लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है बिकॉज ऑफ योर इम्पेशेंट नेचर। ओके, सो यहाँ से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सो फर्स्ट है आपके लिए इमोशंस आर रनिंग हाई। सी, आपके ना इमोशंस थोड़े से हाई रहेंगे इस दौरान। ओके, तो आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, पाइल वन। ओके, इसके वजह से मैंने कहा कि आप इम्पेशेंट होते हो। आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई, पेशेंस लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है। ओके, तो आपको पेशेंस रहना है। कहीं ना कहीं जब आप पेशेंट में नहीं रहते हो या फिर सब्र नहीं करते हो ना, आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो यही कुछ आपके ना 88 पोर्टल के बाद रहेगा कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशन को ओवरफ्लो में नहीं बहने देना है, पाइल वन। ठीक है, दूसरा मैसेज देखते हैं या दूसरा ब्लेसिंग्स देखते हैं हम क्या है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि आपको शेयर करनी है, वो दर्द रहेगा, आपका पेन रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा ना बांटिए चीज़ों को। ओके, टाइम टू गिव, यहाँ पर ना हो सके तो आप ना, अगर आपकी लाइफ में कोई पीस आपको नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा चैरिटी वर्क करिए, पाइल वन। ओके, ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप लोगों को बांटते हो, शेयर करते हो, शेयर इन द सेंस आप कुछ भी हो सकता है, ये कपड़े शेयर कर सकते हो, फूड शेयर कर सकते हो, चैरिटी वर्क कर सकते हो, तो जहाँ पर ना आपके मन को, आपको आपके जो माइंड को ना पीस मिले, पाइल वन। ओके, सो इमोशंस आर रनिंग हाई, इसके वजह से आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, सो गिव टाइम, गिव रादर देन टेक। ओके, तो इमोशंस हाई होने की वजह से आप ये चैरिटी वर्क कर सकते हो या देने का जो कार्य है वो कर सकते हो। ठीक है, आपसे जैसे अफोर्ड होता है गाइज, वही आपको देना है यहाँ पर। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, डेफिनेटली 88 पोर्टल के बाद आप ये चीज़ें देखोगी। ओके, एंड हियर अगेन अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने कहा था आप बहुत सारे व्यूवर्स जो है पाइल वन के, आप अपने पार्टनर से ज़रूर मिलोगे आफ्टर 88 पोर्टल। ठीक है, आप खुद देखोगे बिकॉज मैंने जैसे कहा टू ऑफ कप्स का कार्ड था एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। तो जहाँ पर आपकी लाइफ में प्रपोजल या फिर रिलेशनशिप वाइज रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, तो वो ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं। ओके, एंड वर्ल्ड इन द सेंस कि जो आप पेशेंटली वेट कर रहे थे, फाइनली वो कंप्लीट हो जाएगा या फाइनली कंप्लीशन का मोड ले लेगा। ठीक है, अभी यहाँ से भी हम एंजल गाइडेंस भी लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या और ब्लेसिंग्स है एंजल्स की तरफ से, सो फर्स्ट आपके लिए है टेक एक्शन। डेफिनेटली
आप अभी एक्शन मोड पे रहिए, बिकॉज आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ आएगी। कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया है, किस्मत का पहिया अभी आपकी तरफ घूम रहा है, तो आपको ना एक्शन लेने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, जो कुछ है वो ईश्वर देखेंगे। ओके, एंड इन द नियर फ्यूचर, बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आप ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस करोगे गाइज। ओके, तो जहाँ पर आप वेट कर रहे थे, जिस किसी के लिए भी वेट कर रहे थे अपने लाइफ में, तो वो चीज़ फाइनली आपको मिलने वाली है। बस यहाँ पर ना डिवाइन टाइमिंग का वेट करना था, या फिर सही टाइम का आपको वेट करना है, जो कि यहाँ पर एडिट पोर्टल के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे पाइल वन। ठीक है, सो दैट्स इट पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट करेगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। हेलो माय पाइल टू पीपल, तो अगर आपने पाइल टू चूज करी है तो चलिए देखते हैं कि एटेड पोर्टल के बाद क्या चेंजेस, क्या बदलाव होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी आफ्टर एटेड पोर्टल। ओके, सो पाइल नंबर टू के लिए देखते हैं। सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, सो जितना रेजोनेट होता है उतना ही आपको लेना है। सो फॉर पाइल नंबर टू, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होंगे, तो पाइल नंबर टू क्या चेंजेस एंड क्या बदलाव होंगे। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए लेजीनेस, दूसरा है प्लेफुलनेस, कंडीशनिंग, और यहाँ पर बॉटम में है सॉरो। यहाँ से देखते हैं क्या चेंजेस एंड क्या बदलाव आपकी लाइफ में होंगे पाइल नंबर टू आफ्टर एटेड पोर्टल, क्या चेंजेस एंड क्या बदलाव होंगे। सो फर्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वॉन्स, एंड मैजिशियन, यहाँ पर एज ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर टू, यहाँ पर ना जैसे कि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप ना आप अपने लाइफ में करंटली बहुत, मैं कह सकती हूँ कि बहुत पेन में हो, दर्द में हो, बिकॉज यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक है नाइन नंबर का कार्ड, दैट इज सौरव का कार्ड है। ओके, जो कि है नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप अभी अपने लाइफ में ना बदलाव चाहते हो या फिर चेंजेस चाहते हो, कहीं ना हो सकता है पाइल टू, आप ना आपका जो दिल है या फिर आपका जो हार्ट है ना, किसने तोड़ दिया है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं कि जिसके वजह से आप अपने लाइफ में अभी खुश नहीं हो। ओके, और कहीं ना कहीं आप हो सकता है पास के बारे में सोच रहे हो, या फिर मैंने कुछ पास में गलती करी है, या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो जिसके वजह से ना आपके दिल पे आपकी जो इमोशंस है, किसी ने ना आपके इमोशंस को चोट पहुंचा दी है, ऐसा मैं कह सकती हूँ पाइल टू। ओके, जिसके वजह से अभी आपकी जो सिचुएशन है कम्प्लीटली आप ड्रेन आउट हो चुके हो। ओके, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कंडीशनिंग है। ओके, या फिर आपने खुद के लाइफ में ना कंडीशनिंग या फिर कंडीशन बना ली है, बाउंड्री बना ली है, कि जहाँ पर आपको खुलेपन से रहना है, या फिर ना आपके आपकी लाइफ को आपको एंजॉय करना है, बट कहीं ना कहीं ये जो सौरो, ये जो दर्द है, या फिर जिन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया है ना कहीं वो हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ खुलेपन से नहीं जी रहे हो। हो सकता है पास में अपने लोगों पे ट्रस्ट किया, या फिर ना लोगों पे इजीली ट्रस्ट किया, या फिर उनके साथ ना बहुत फ्रेंडलीनेस दिखाया, बट
उन्हीं लोगों ने आपका ना फायदा उठाया है, पाइल टू, जिसके वजह से अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप किसी भी लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए ना कतराते हो, पाइल नंबर टू। ओके, तो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग कार्ड ये बता रहा है कि नो डाउट आपने जिस पे ट्रस्ट किया था उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर आपको धोखे में रखा था अभी तक। ओके, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है, आपके प्रोफेशन वाइज हो सकता है, जैसे आपसे रेजोनेट होता है गाइस वही आपको लेना है। और अभी आपकी जो सिचुएशन ऐसी है कि किसी पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपके लिए दिक्कत देता है, पाइल नंबर टू, क्योंकि आप इतने चोट खाए हुए हो, स्पेसिफिकली आपका जो हार्ट है वो कम्प्लीटली ब्रोकन हो। ओके, इमोशंस, नो डाउट आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप ना बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि आप किसी पे ट्रस्ट करना आपके लिए मुश्किल देता है, ठीक है। नो डाउट आपके लाइफ में ऐसे भी लोग आए रहेंगे या फिर ऐसे भी कंडीशंस आए रहेंगे जिन्होंने ना आपको बांध कर रखा, ओके, आपको खुले मन से जीने नहीं दिया या फिर खुले तरीके से आप सांस नहीं ले पाए, पाइल नंबर टू। ओके, तो अभी आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे? अभी भी आप महसूस कर रहे हो कि आपके इर्द गिर्द ना बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, ओके, जो अपनी ही मनमर्जी करते हैं या फिर आपको बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको ना खुले मन से जीना है बट आप जी नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ ये कंडीशन जो आपके आसपास है। ओके, यहाँ पर टॉक्सिक आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके नेबर्स हो सकते हैं जो आपको ना ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके दिल को छूती है। ओके, वो किसी भी वजह से रहेंगी लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको कब्जे में रखने की कोशिश करते, पाइल नंबर टू। ओके, नो डाउट आप ऐसे नेचर के नहीं हो, नो डाउट आप खुले मन से जीने वाले लोग हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, तो क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके लाइफ में ना बहुत न्यू हैपनिंग्स आएंगी। ओके, नो डाउट अभी आप कंडीशनिंग में जी रहे हो या फिर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी जो आप पेन अभी महसूस कर रहे हो ना, पाइल टू, तो कहीं ना कहीं आप भगवान से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ से ये चीज़ें हट जाए या फिर मेरे लाइफ में ना एक सुकून मिले या पीस मिले। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल टू, वही आपको यहाँ पे हासिल होगा आफ्टर रेटेड पोर्टल, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पर मैं बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आप मोड देख रहे हो या फिर पल देख रहे हो आपकी रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं आफ्टर रेटेड पोर्टल आप जहाँ पर टॉक्सिक या फिर ऐसे लोगों से डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो हटने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप खुद बदलाव देखोगे। तो जो आप प्रेयर्स कर रहे हो यूनिवर्स को, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रोफेशन वाइज प्रॉब्लम चल रही है, वो हट जाए, डेफिनेटली आपको ना वो राहत मिलेगी पाइल टू। बिकॉज यहाँ पर ना कार्ड 10 of Cups का कार्ड है जो कि बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हैपनिंग्स आएंगी आफ्टर रेटेड पोर्टल। ओके, और जो आपके लाइफ में ऐसे लोग थे, टॉक्सिक पीपल थे, आप खुद उनसे लड़ोगे। ओके, खुद अपनी तलवार आप निकाल के ऐसे लोगों को ना अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो आफ्टर रेटेड पोर्टल। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना एक ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आएगी कि जहाँ पर आप खुद इन लोगों से टैकल करोगे आफ्टर रेटेड पोर्टल। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, नो डाउट आपकी यहाँ पर एनर्जी डाउन है, आप बार बार पास में भी जाते हो कि क्या मुझसे पास में गलती हुई है, ये लोग मुझसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं ऐसे, क्यों मेरे लाइफ को ना इतना टॉक्सिक बना के रखा है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसे कर्स है या जो भी है। ओके, मैंने ऐसे क्या गलती की है पास में कि ये लोग मेरे इर्द गिर्द है। तो कहीं ना कहीं आफ्टर रेटेड पोर्टल यहाँ पर ना आपके लाइफ में कुछ ऐसे आपके क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकती है कि जहाँ पर आप इन ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से आप ना लड़ पाओगे। ओके, खुद लड़ पाओगे और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें टॉलरेट भी नहीं करोगे अपने लाइफ में।
तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में ना नए बिगनिंग्स आने वाले हैं, कि जहाँ पर आप वेट कर रहे थे कि कुछ कुछ मेरे लाइफ में सुकून मिले, पीस मिले या राहत मिले, या फिर मैं इस टॉक्सिक लोगों से बाहर निकलूँ. ओके, तो डेफिनेटली निकलोगे, बिकॉज एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि शुरुआत बताता है. ओके, ओपनिंग बताता है, न्यू बिगनिंग बताता है, स्टार्ट बताता है. स्टार्ट ऑफ वॉट? स्टार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, स्टार्ट ऑफ योर प्रेयर्स. ओके, तो जो प्रेयर्स आपने करी है अपने लाइफ के लिए, डेफिनेटली वो पूरी होंगी आफ्टर एडिट पोर्टल. ओके, और मैंने कहा यहाँ पर कि बहुत सारे व्यूवर्स के ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आपकी लाइफ में ना न्यू प्रपोजल आ सकता है, न्यू लव ऑफर मिल सकता है, न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है आपके पार्टनर के साथ. तो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे कि आपके फैमिली में कुछ टॉक्सिक मोमेंट्स चल रहे हैं, कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ ना मनमुटाव चल रहे हैं, या फैमिली में बन नहीं रही है. तो कहीं ना कहीं आफ्टर एडिट पोर्टल आप चेंजेस देखोगे कि आपके लाइफ में प्यार आएगा. ओके, और कहीं ना कहीं दो एसेस के कार्ड है गाइज, यहाँ पे थ्री एसेस के कार्ड है. तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, जो कि पैशनेट भी रहेगा, लविंग भी रहेगा, और एक क्लैरिटी भी रहेगी आपके लाइफ में. ओके, तो क्लैरिटी ऐसी भी रहेगी कि जहाँ पर आप ना आपके लाइफ में जो क्लियर नहीं थी चीज़ें, वो आफ्टर एडिट पोर्टल क्लियर हो जाएंगी. तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स के फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगी, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो ये ध्यान में रखिए. तो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में अभी होने वाली है. ओके, तो आपको मायूस नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, इस एनर्जी में नहीं रहना है. ओके, डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी कंडीशनिंग लोग थे, या फिर आपने खुद कंडीशनिंग बना के रखा था कि इन 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 लोगों को ही मैं मेरे लाइफ में लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद लोगों से आप टैकल करोगे, पाइल टू. ओके, और खुद आपकी लाइफ ना एक कम्प्लीटली, मैं कह सकती हूँ, आपके लाइफ में जो नाराज़गी थी, जो सॉरो था, जो पेन था, डेफिनेटली आप खुशी देखोगे. ओके, हैप्पीनेस देखोगे अपने लाइफ में. ये प्यार प्यार होगा, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, प्रोफेशन वाइज भी हो सकता है. यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के ऐसे भी रहेंगे कि आप ना प्रोफेशन वाइज बहुत टॉक्सिक लोगों को झेल रहे हो, डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इन लोगों से आप खुद टैकल करोगे, पाइल टू. ओके, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मांग रहे हो यूनिवर्स को, इस एटेड पोर्टल के बाद वो हासिल होगा आपकी लाइफ में. ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ही बता देती हूँ, पाइल टू, कि आपको ना निगेटिव ज़्यादा सोचना नहीं है, पाइल नंबर टू. ओके, क्योंकि आपकी ना थॉट्स बहुत बहुत टाइम ऐसे होता है ना कि आप निगेटिव चीज़ों को बार बार दोहराते हो, तो जो निगेटिव आप चीज़ें दोहराते हो वही वापस आपके लाइफ में आ जाता है. ठीक है, तो निगेटिव बार बार आपको रिपीट नहीं करना है. नो डाउट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, तो बार बार वो चीज़ें ना यूनिवर्स को बताकर नहीं दिखानी है कि मैंने मैनिफेस्ट तो किया है, मैं मांग तो रही हूँ, बट ये चीज़ मेरे तरफ आ क्यों नहीं रही है. ओके, डेफिनेटली आएंगी, बिकॉज यहाँ पर आफ्टर डेट पोर्टल आप खुद ये महसूस करोगे, खुद जानोगे कि आपके लाइफ में जो आप वेट कर रहे थे, या फिर खुद को एक बांध के रखा था आपने कि नहीं ये तो मेरे तरफ नहीं आएंगे. ओके, ये बांध के रखा होगा आपने कि नहीं, मैं इसमें अभी चांस नहीं लूँगी या रिस्क नहीं लूँगी. तो डेफिनेटली गाइज वो आपको मिलेगी, बस आपको पॉजिटिव रहना है एंड रिसीव करना है आफ्टर रेटेड पोर्टल. आप खुद देखोगे कि ये चीज़ आपकी तरफ आएगी, पाइल टू. ओके, बस मैं वापस कह रही हूँ, निगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे रहेंगे कि आप अपना प्यार के लिए वेट कर रहे हो, एक न्यू ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, और जिसके वजह से आप उस पर्सन को कह सकती हो, उस प्रपोजल को कह सकती हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, पर आपको निगेटिव नहीं होना है कि मैं तो इतने टाइम से, लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मांग रही हूँ, बट ये पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, ये पर्सन मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है. सही समय का इंतज़ार करें, वो पर्सन ज़रूर आएगा आपके लाइफ में. ठीक है, वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है, उसके लाइफ में कोई दूसरी पर्सन है तो वो नहीं आएगा, ये बात आपको जाननी है. ओके, लॉजिक समझिए. ठीक है, तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए, निगेटिव मैनिफेस्टेशंस नहीं करना है. जैसे आप निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हो वही आपकी तरफ आता है, पाइल टू. ठीक है, तो यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से आपके लिए
क्या ब्लेसिंग्स है फॉर पाइल नंबर टू, यहाँ से क्या ब्लेसिंग्स है फॉर पाइल नंबर टू, पाइल टू के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मैंने कहा था वो जो कहा वही कार्ड में आया गया। तो आपके लाइफ में ना पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही पावरफुल चेंजेस होंगे पाइल टू। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अगेन मैंने जो कहा था वही कार्ड्स में आ रहे गाइस, वही ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज मैंने कहा थ्री एसेस के कार्ड मैंने आपको दिखाए, एज ऑफ वॉन्स, एज ऑफ कप्स एंड एज ऑफ सोल्स। ओके, तो न्यू स्टार्ट आ रहा है और वो ऐसा स्टार्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे। ओके, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मैंने कहा था कि आपके पास्ट में बार बार आपको सोचना नहीं है, जो मिला नहीं है या फिर मिल नहीं रहा है उसके बारे में बार बार ना सोचना नहीं है। ओके, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली आएगा, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो आप हार्ड वर्क डाल रहे हो, जो पेशेंस कर रहे हो, आपको ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। बस आपको बार बार पास के बारे में नहीं सोचना है या नहीं मिला है उसके बारे में बार बार वही चीज़ नहीं दोहरानी है। यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपको, एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये जो चेंजेस होंगे या फिर ये जो चेंजेस आपकी तरफ आएगा या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी तरफ आएगा। ओके, यहाँ से देखते हैं देयर समथिंग बेटर, मैंने कहा था। ओके, तो जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है दैट डजंट मीन कि वो नहीं मिलेगी आपको, इससे बेहतर मिलेगा, इससे अच्छा आपको मिलने वाला है, जिसके वजह से वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ बेहतर, बहुत कुछ अच्छा आपको मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको ना कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज ज़रूर करनी है गाइस। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो डेफिनेटली आएगी, अगर आप नहीं बिलीव करते हो नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी तरफ ऐसे बेटर चेंजेस आएंगे, बट थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हर एक चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं मिलती है या फिर हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो थोड़े से ना कॉम्प्रोमाइज़ हमें करनी होती है लाइफ में। तो यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, आफ्टर 88 पोर्टल ये आपकी तरफ आएगा, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगी, बस आपको रिसीव करना है पाइल टू। ओके, सो दैट्स इट पाइल टू, ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप गाइस ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।